एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा, ब्रिटिश कोर्ट में कंपनी ने यह माना। भारत में इसी फॉर्मूले से कोविड शील्ड बनी। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड 19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड शील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट ने 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1,000 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने जमा किए गए दस्तावेजों की कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इससे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने केस किया। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। कंपनी ने पहले दावों को नकारा फिर माना। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है। इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने जमा किए कानून दस्तावेजों में कंपनी इस दावे में पलट गई। इस दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में जिस चीज़ की वजह से यह बीमारी होती है उसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इस दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई है। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में नई वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा, हमने मानकों का पालन किया। एस्ट्राजेनेका ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयां और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है।